सो ये बाइक किसको लेनी चाहिए? देखो अगर आप ऐसे हो जिन्हें टूरिंग करनी है ना, आई वुड से कि अभी ड्रैग रेस बिटवीन डोमिनार एंड RC390। What is good, you lovely folks of YouTube? This is Gaurang here on his Dominar 400. Today I'll be reviewing his bike. He really wanted to ride my bike, तो आज वो मेरी bike ride करेगा. मैं इसकी bike ride करूँगा. After some time, अभी फिलहाल तो मैं मेरी bike ride कर रहा हूँ. It's Tanvir. What's up? Today, right now, we're heading to South Mumbai. इसके मिरर को ना अंदर करने का नहीं, अंदर करेगा फिर उसको वापस सेट करना साला बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है सही से. वाह से एंट्रा वाह. सॉरी मर रहा हूँ. कौन की मी द रोड, की मी द रोड. या व्हील स्पिन बेबी. This bike is lot of fun to ride. So I wanted to ask you guys, my viewers, आप मेरे से किस तरीके का content देखना चाहते हो? ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं content creation को थोड़ा सा और importance दूँ मेरे life में, उसके ऊपर और focus करूँ. So मेरे channel पे KTM इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यार, making videos on bikes मुझे पसंद है, मुझे आता है और बस मुझे पसंद है वो मुझे करने की इच्छा है. बाकी मैं और कोई type का content तो क्रिएट करने का मेरा कोई शौक नहीं है. तो बाइक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है एज फार एज कॉन्टेंट क्रिएशन इज कंसर्न, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ. बट अभी अगर आप लोगों को कुछ और देखना है या फिर मैं कोई नई चीज़ करो, ऐसा कुछ भी हो, अगर वैसा कुछ देखना चाहते हो मेरे से तो प्लीज़ कॉमेंट करो, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है मैं सिर्फ KTM के ऊपर ही वीडियोज़ बनाऊँ या फिर कोई और नई चीज़ इंक्लूड करूँ मेरे व्लॉग्स में. बट आप लोगों को जो भी लगता है, आप लोगों को जो भी देखना है वो आप कमेंट करके बताओ, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा. अभी मेरे बाइक का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ किया गया है, सो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी हाई स्पीड कॉर्नरिंग एबिलिटी बढ़ा है. अभी ड्रैग रेस बिटवीन डोमिनार एंड RC390 एंड बेनेली इंपीरियल 400. तू डोंट बोल के तू ही कर रहा है. नो ड्रैग रेस कैंसिल की क्योंकि पुलिस से बाजू में. तो अभी गौरंग आ गए मेरी RC390 पे, मैं हूँ उसकी डोमिनार पे. चल आजा ड्रैग रेस करते, आजा. कौन सा अंडरवेयर है जॉकी? वाओ क्या नज़ारे हैं. टुडे वी विल रिव्यू डोमिनार 400. दिस इज 2018 बाइक. माय फ्रेंड गॉट इट यूज्ड फॉर आई थिंक 1.1 और 1.2 लाख्स. व्हेन यू गॉट इट द बाइक एट हाउ मेनी किलोमीटर्स? 9200. व्हेन यू गॉट इट द बाइक एट 9200 किलोमीटर्स? हाँ. इधर स्पीड कैमरा, इधर स्लो हो जा, अब इधर स्लो हो जा, अब स्पीड कैमरा है. कंपेयर टू द RC390 दिस बाइक इज वेरी स्मूथ, इट्स वेरी रिफाइंड. RC का ना एक ट्रेट है ऐसा घड़घड़ 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 करना, लेकिन वो घड़घड़ घड़घड़ ये बाइक में नहीं है. और RC में वो जो घड़घड़ घड़घड़ होता है वो यूजुअली लो RPM में होता है, तो मतलब जब सिटी में राइड करो तब भी होता है, बिकॉज ऑफ विच उसमें सिटी राइडिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार. इट्स वेरी टायरसम आफ्टर अ पॉइंट, बट इसमें वो नहीं है बिल्कुल भी. इट्स वेरी रिफाइंड इन जनरल. अनदर नोटिसेबल डिफरेंस आफ्टर द RC390 इज दैट इसका थ्रॉटल उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि टेक्निकली RC390 में हाफ थ्रॉटल है और इसमें फुल थ्रॉटल है, मतलब इसमें हाथ को पूरा घुमाना पड़ता है
वेयर इज आरसी में सिर्फ थोड़ा ही घुमाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम लगता है, बट इट इज स्टिल वेरी गुड। वाओ द आरसी इज एक्चुअली क्वाइट लाउड। तेरे बाइक का हॉर्स पावर कितना है? 35. So the RC produces 44 horsepower. This produces 35. So my bike produces 9 more horses. And you kind of do feel it because this never really starts to go haywire, you know, when it's accelerating. So ये bike किसको लेनी चाहिए? देखो, अगर आप ऐसे हो जिन्हें touring करनी है ना, I would say कि जिस price में ये bike आती है, used में या फिर नया भी ले लो, लेकिन चलो used में you buy 2019 bike for 1.5 lakhs, let's say. आपको 1.5 lakhs में इससे अच्छी long distance bike नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपल्स वगैरह है वो सिर्फ 200 cc है, सो आफ्टर अ पॉइंट उसका पावर कम लगता है, बट इसमें इनफ पावर है फॉर इंडियन रोड्स, आप इजीली 100 120 पे क्रूज कर सकते हो, और ऐसे सिटी राइडिंग में भी इट्स कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग व्हील बेस। ये बाइक बहुत स्टेबल है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत ही अच्छी बात है। अब प्लस यार, इसका जो सस्पेंशन है ना, इट इज़ सो ब्रिलियंटली कैलिब्रेटेड, इतना मस्त है। तो गौरंग ने अभी रेयर मोनोशॉक को एकदम स्टिफेस्ट सेटिंग पे रखा है। इट इज सच अ प्लश बाइक, फ्रंट सस्पेंशन भी काफी सॉफ्ट है। और देखो, इंडियन रोड्स पे ना स्टिफ सस्पेंशन एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि बाइक बम्प्स के ऊपर रोड को ग्रिप नहीं करती है, सिर्फ बाउंस होते रहती है, जिसकी वजह से बाइक फिर अनस्टेबल लगना शुरू हो जाती है। बट ये बाइक का ऐसा नहीं, ये बाइक का सस्पेंशन जिस तरीके से सेटअप है, मैं तो कहूँगा परफेक्ट फॉर इंडियन रोड्स। कॉर्नरिंग भी कर सकते हो, और खराब रोड है तो भी टैकल कर सकती है। लद्दाख वगैरह जाना है, राजस्थान में लंबे लंबे स्ट्रेचेस है, जो भी है, ये बाइक बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकती है। इसमें सिर्फ एक विंडशील्ड डाल दो, पीछे रैक्स आ जाते हैं फॉर द पैनियर्स एंड एवरीथिंग, और लाइट्स डाल दो, एंड दिस बाइक इज़ रेडी, इट्स गुड टू गो। और आरसी से कंपेयर करके तो और एक डिफरेंस ये है कि इसका जो टॉर्क है वो लो एंड में है, आरसी का लो एंड में टॉर्क ही नहीं है, तो इसको राइड करना इज़ अगेन बिकॉज ऑफ दैट लो एंड टॉर्क, इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। सिटी में इतना हैसल नहीं है, बाइक इजीली चल जाती है, बाइक स्ट्रगल नहीं करती है सिटी में लाइक द आरसी 390। और इसका न्यूट्रल भी इजीली मिल रहा है, और गियर भी थोड़ा सा अलग है, क्लच रिलीज भी अलग है। दिस इज जेन्युइनली सच अ गुड बाइक फॉर द सिटी एंड द हाईवे, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। और हीटिंग वगैरह भी इतना कुछ होता नहीं है अभी तक, ये बाइक का मैंने ऐसा हीटिंग फेस नहीं किया, ज़्यादा हीट होती नहीं है, इट्स अ नेकेड बाइक। एंड क्योंकि ये बाइक का वेट है ना, ऐसे खराब रोड पे मिड टर्न ये काफ़ी स्टेबल चलती है, अनलाइक द आरसी जो काफ़ी ऐसे वॉबल वॉबल करती है, क्योंकि बहुत ही हल्की बाइक है। भाई कभी भी कुछ भी, एंड इट ऑल्सो पुल्स एज यू कैन सी, हाउ दिस बाइक इज वेरी कॉन्फिडेंट मैन इन कॉर्नर्स। काफ़ी डिसेंट एक्सेलरेशन है यार, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो फिर सैडलिंग भी बहुत ही मस्त कर पाएगी, एंड इट विल बी इवन मोर कंफर्टेबल। तो हाँ, ये दिस इज़ अ परफेक्ट टूरिंग बाइक, ऑनेस्टली बहुत स्मूथ और रिफाइंड है व्हेन कंपेयर टू द आरसी 390। और ये जो मॉडल है मेरे दोस्त की, इसमें ABS नहीं है, सो दिस इज़ अ नॉन ABS बाइक। आई वुड से मिड कॉर्नर या आरसी से भी ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड इट्स लॉन्ग व्हील बेस। भाई भाई भाई, I would say the brake pads on this are really good. अभी जो मैंने ब्रेक को बस टच किया और ब्रेक ने क्या बाइट किया यार, मज़ा आ गया। शायद से मेरी लाइफ में एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब मैं खुद एक डोमिनार 400 लूँगा, क्योंकि RC मैंने लिया क्योंकि वो मेरा शौक था, मेरा सपना था। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिर मेरे को तो ये लेना चाहिए था, एंड लाइक आई सेड मेरे फ्रेंड ने इसको यूज़ लिया था, तो अभी तक उसको कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है, तो इट इज़ क्वाइट रिलायबल। मैंने डोमिनार के ऐसे कुछ रिलायबिलिटी के कंप्लेंट्स तो नहीं सुने, एंड इट्स सो मच फन टू राइड, प्रैक्टिकल भी और फन भी है, और सस्ती भी है, चीप टू मेंटेन, इट्स अ बजाज एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस रियली इज द कंप्लीट बाइक। व्हील्स पे तो ये बाइक भी होनी चाहिए। नहीं नहीं, सामने मत आ, सामने मत आ। हुआ ना, मस्त हुआ। सो इसमें भी अपोलो H1s लगे हुए हैं, इट्स अ वेरी फ्रेश सेट, कुछ एक साल पहले मेरे फ्रेंड ने वो लगाए थे। इट केम विथ स्टॉक MRFs और सम बुलशिट टायर, बट अभी अपोलो H1s है, एंड दिस बाइक इज हैंडलिंग लाइक अ ड्रीम। एंड यू नो, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ रिफाइंड बाइक, ऐसा तुम्हें टॉर्चर नहीं करती है KTM की तरह, वो KTM तो तुम्हें तड़पाती है, ये तड़पाती नहीं है वैसे। हाँ हाँ हाँ, तनवीर, हाँ हाँ, डैम माई RC लुक्स रियली गुड मैन। क्या बोलता है? बढ़िया।
व्हाट्सअप। तो डोमिनार यही महान व्यक्ति की है गौरांग। सो हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गेट दिस बाइक? इट्स बीन 1 ईयर नाउ। और तूने इसमें क्या क्या चेंज किया है? द टायर्स हैव बीन चेंज्ड, द चेन हैज बीन रिप्लेस्ड, अपग्रेडेड ब्रेक पैड्स फ्रॉम वेस्रा, मोनोशॉक हैज ऑल्सो बीन चेंज्ड, इट वॉज रीबाउंडिंग अलॉट, एवरीथिंग एल्स इज as stock as it can be. तो गौरांग ये बाइक को सिर्फ ऐसे नाइट राइड्स के लिए नहीं लेके आता है, उसको डेली यूज भी करता है, हर रोज ऑफिस लेके जाता है, वापस लेके भी आता है। What has been your ownership review so far? What do you think about your bike? It's a good daily bike. I feel you can cruise at 60 also if you want to and 120 also very easily in the power band. Exactly. This bike can actually genuinely do it all. KTM का वही है कि उसको स्लो राइड नहीं कर सकते, उसका इतना घट मारता ना हो। RC 200 जब मैंने राइड किया था, आई रियलाइज कि उसका रिफाइनमेंट इज मच मोर, इट इज अ मच मोर यूजेबल बाइक। बट 390 थोड़ा अलग ही चलता है, तो उसमें वाइब्रेशन और फिर उसका लो एंड टॉर्क नहीं है, इसकी वजह से इट्स अ वेरी टायरिंग बाइक। बट ये बाइक सब कर सकती है। इफ इन द फ्यूचर आई बिकम मोर सेंसिबल पर्सन, आई विल चूज अ बाइक लाइक दिस रादर देन द 390। तनवीर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ द आरसी? माइंड बॉगलिंग। अच्छा, आंख में आंसू वाले? लुक एट माय आईज ब्रो, पूरा पानी पानी हो गया। देख मेरा आंखों में, इट वाज सो गुड, ही क्राइड। एक्चुअली कैन से दैट आई डिड क्राई। सो फाइनली घर पहुंच गए। ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू गाइस वुड लाइक टू सी ऑन माय चैनल, कैसे टाइप के कंटेंट आपको देखना है, तो मुझे ज़रा आइडिया लगेगा कि आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। और फिर बस इतना ही, ठीक, थैंक यू। मैं चोद आ रही हूँ तो रुक जा यार, खांसी का बहुत प्रॉब्लम है। Oh. What the means?